नमस्कार, सादर जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है प्रभु दर्शन और उसकी आकांक्षा। प्रभु दर्शन कैसे प्राप्त करें? ईश्वर दर्शन की आकांक्षा मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं की साधक है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु यह आकांक्षा इतनी प्रबल हो कि उसके समक्ष सांसारिक प्रलोभन का प्रभाव मिट जाए। सच्ची जिज्ञासा से ही भगवान मिलते हैं। मनुष्य धन वैभव और वस्तु साधनों के उपभोग के सुख प्राप्त करने के लोभ में अपने जीवन लक्ष्य से भटक जाता है। ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा अगर प्रबल ना हुई तो सांसारिक प्रलोभनों के कारण मनुष्य एक पल भी नहीं टिक सकता। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को भूल जाना या बुद्धिमानी तो नहीं की जा सकती। सांसारिक कामनाएं अमृत तत्व की प्राप्त नहीं करा सकते। अपने तन की शांति के लिए उसी परमात्मा की शरण लेनी होगी। शरीर के भीतर ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा उपस्थित होता है, जिससे तप, भाषण, ब्रह्मचर्य और यथार्थ ज्ञान से उसकी प्राप्ति संभव है। सब तरह के दोषों से विमुक्त होकर ही मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है। कर्म करते हुए मनुष्य से अज्ञान व त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु निष्काम भावना के कारण उसके सात्विक लक्ष्य पर किसी तरह का आक्षेप नहीं आता। लक्ष्य की स्थिरता और ईश्वर के प्रति अनन्य भाव रखने से आती है। सांसारिक आघातों से विकल होकर जब मनुष्य परमात्मा की सरल गति प्राप्त करता है, तब हृदय की भावनाओं में परमात्मा की प्रेरणाएं और उसके निर्देश प्राप्त होने लगते हैं। समर्पण या शरणागति का भाव जितना सजीव होगा, परमात्मा की अनुभूति उतनी ही प्रखर होगी। संसार की पीड़ा और विपत्तियों से सकुचल बचे रहने के लिए परमात्मा की शरण अनिवार्य है, पर इतने से ही जीवन की सिद्धि संभव नहीं है। उसके लिए अभी भावनाओं में उसका आवागमन होना बाकी है। आप देखते रहें कि मलिनताएं आपकी आकांक्षाओं को कहीं दबाती तो नहीं। सुख की इच्छा और भोगों की कामनाएं रखने लगेंगी तो आप किसी भी क्षण अपने लक्ष्य से भटक लग। अगर भोगों की कामनाएं उठने लगी तो आप किसी भी क्षण अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कोतवाल के साथ रहने से चोरों का भय नहीं सताता, उसी प्रकार सांसारिक भाव बंधनों से वही निवृत्त रह सकता है जिसके हृदय में परमात्मा का प्रयास उत्प्रोत। वह ब्रह्म ही प्रबल संपूर्ण शक्तियाँ का स्वामी, सारी सृष्टि का विनायक है, कारण स्वरूप है, आत्म चेतन पदार्थ तो है, किंतु वह सत्ता मात्र होने से स्वतः क्रियाशील नहीं है। किंतु आत्मदान से मनुष्य अपने आप को परमात्मा के में मिला देना सीख लेता है। ईश्वर की सत्ता में अपने आप को विलीन कर देने से मनुष्य को ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव होने लगता है। उस समय उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे विकार मिट जाते हैं और अनिवर्चनीय आनंद की सुखानुभूति होने लगती है। सब कुछ, जितनी भी शक्ति, सामर्थ्य और संपन्नता है, वह सब परमात्मा में है। उसके पास बैठने के कारण ही यह श्रेष्ठता है मनुष्य में भी आ जाती है। इस नियम को भूल जाने के कारण ही जीव क्षुद्र बन जाता है। संसार में रहकर मनुष्य तरह तरह की कामनाएं करने लगते हैं। जिधर उसे सौंदर्य, सुख और संतोष दिखाई देता है, वह उधर ही चल देता है। ईश्वर को प्राप्त करना और अपने अंतःकरण में ईश्वरीय प्रकाश जागृत करना मनुष्य का ध्येय है। बंधुओं, इस मार्ग में विघ्न बाधाएं आती हैं, किंतु जिनके विचारों में निष्ठा होती है, जो प्रबल जिज्ञासा रखते हैं और जिनकी आकांक्षाएं प्रबल होती हैं, इतनी बलवान होती हैं कि दुनिया की कठिनाइयों से सहसी मुकाबला कर सकें, वह अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, अपना जीवन आकांक्षाओं से भरपूर कर देते हैं। परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे समीप
हमारी सांस में समाया हुआ है उसे प्राप्त किया जा सकता है, पर इसके लिए साधन की आकांक्षा अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। बंधु, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।